एस अग्रवाल और कक्षा 12 में 142 में आज हम हैं, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं लेंस निर्मात्री सूत्र। और लेंस के बारे में कुछ मुख्य बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और जो दूरियां हैं वो प्रकाशी के अंदर सी से मापी जाती है, यहाँ या ध्रुव दो होते हैं, P1 और P2 होते हैं। बाकी सारी बातें वही है, प्रकाश किरण की गति की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, वो सारी बातें वही लेंगे। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसे रिजल्ट आएंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे वो भी, और जो इस बार बहुविकल्पीय क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं MCQs वो भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। ऐसे इसके अंदर कई छोटी छोटी बातें हम पढ़ेंगे, रिजल्ट से जो आएंगे इसके उनसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और उनसे हम लेंस सूत्र भी निकालते हैं। नॉर्मली जो 10वीं क्लास में लेते हैं -1/u + 1/v = 1/f वो भी यहीं से निकले हैं, तो कई बातें आएंगी इसमें। अब देखो, इसके लिए सबसे पहली बात तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी और उससे पिछली क्लास में बताया कि जब हमने 140 में ये बात पढ़ी थी गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तक के लिए, तब हमने ये सूत्र डेराइव किया था, एक डेरिवेशन किया था। हम वो डेरिवेशन नहीं करेंगे बैठेंगे यहाँ, क्योंकि हमें वो करना भी नहीं है, यहाँ हमें उसके रिजल्ट डायरेक्ट यूज करने हैं कि जब सतह से अपवर्तन की घटना होती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो उसके लिए इस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर उल्टा हो, सघन से विरल में जाए तो ये इसमें उल्टा हो जाएगा, μ2 से μ1 में जा रहे हैं तो यहाँ μ1 की जगह μ2 आ जाएगा और μ2 की जगह μ1 आ जाएगा। इसलिए मैंने दोनों तरीके से ये आज रिजल्ट लिख रखे हैं, आप day 140 जरूर देख लें जिसने नहीं देखी है, वरना थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी। -1/u + μ/v, म्यू वाली फॉर्म भी है, क्यों है, क्योंकि ये आप सबको पता होगा कि μ2/μ1 को क्या लिख देते हैं, म्यू लिख देते हैं, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू बन जाता है। तो यहाँ क्या है, इसी इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन आती है, इसी से ऊपर वाली इक्वेशन आती है कि हम μ1 का भाग कर दे तो μ1/μ1 तो 1 हो गया, आ गया -1/μ1, μ2/μ1 होगा तो किसके बराबर हो गया, म्यू आ गया म्यू, या μ2/μ1 हुआ तो आ गया म्यू, और μ1/μ1 हुआ तो 1। तो आप कोई भी इक्वेशन जो है वो ध्यान रख सकते हैं। और कैसे लिखी गई है, ये 1 से 2 में जाता है माध्यम, 1 से 2 में विरल से सघन में जाता है, तो यू में क्या विरल माध्यम का पार्ट जाएगा, अगर उल्टा होगा सघन से विरल तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, इस बात का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो पहले तो आप इस बात को समझ लें, देख लें कैसे आई है, तीसरा टॉपिक जरूर देख लें, नहीं देखे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आई है। अब बात करते हैं लेंस निर्मात्री सूत्र की, इसके डायग्राम को समझ लें पहले तो, जो हम बढ़ाएंगे अभी, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन को भी आप स्टेप बाय स्टेप ही समझें, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट अपने इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू लिखनी है। इसके अंदर क्या क्या बातें ली गई है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वहां तो एक ही सतह थी, लेकिन यहां सतह कितनी हो गई, 2। इस सतह से अपवर्तन हो रहा है तो अलग घटना है, इससे हो रहा है तो अलग घटना है, इसीलिए त्रिज्या भी कितनी हो गई, 2। ये हम पिछली क्लास में बात की थी कि लेंस अगर है तो उसकी 2 त्रिज्या R1 और R2 हो सकती है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे डायग्राम ताकि हमें 2 बार अपवर्तन की घटना समझ में आ जाए, कैलकुलेशन उधर हम कर लेंगे। ये स्थिति समझने के लिए, यह लेंस इतना मोटा नहीं होता है, पतला ही होता है, ये प्रकाशीय केंद्र है सी, ये बिंदु एक्स है, ये बिंदु वाई है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, थोड़ा सा इसको तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ये एक सतह है, हम इसको सोल्व करेंगे पहले, और मैं केवल इसी का ही डायग्राम बनाऊंगा केवल, साथ साथ सोल्व करेंगे, साथ साथ हम इसको डायग्राम बनाएंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे, और आप भी जब एग्जाम में भी करते हैं तो भी जहां पर डायग्राम के साथ अगर कैलकुलेशन हो रही है तो पहले आप उतना बना लें जितने की कैलकुलेशन समझ में आएगी वो कर लें, फिर आप आगे का बना लें फिर उसकी कैलकुलेशन, ताकि दोनों चीजें एक साथ मिक्स नहीं हो।
अब देखो इसके लिए इधर वाला पार्ट जो इसकी बात करें, इस बिंदु को मान लेते हैं पी वन ध्रुव, इसके लिए गोला किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, तो इधर इसकी त्रिज्या है। ऐसा नहीं है भाई इधर पी टू है तो पी टू की साइड में आर टू बढ़ जाएगा, इधर कौन सा आएगा आर वन आएगा। अब रटना नहीं है किसी भी चीज को, यहां से आप इस गोले को बढ़ाएंगे तो इधर गोला बढ़ेगा, इधर गोला बढ़ेगा, तो ये गोला इसकी सतह कहां से जा रही है, पी वन से जा रही है, पी वन से जा रही है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, त्रिज्या को आर वन देंगे, तो इसकी जो त्रिज्या है वो आर वन होगी यहां, इसलिए इसका सेंटर है ये, सेंटर को नाम दे दिया हमने क्या, सी वन। ठीक है, दूरी हमें कहां से मापनी है, सी से मापनी है, इसलिए सी से ये जो दूरी है वो भी लिख देता हूं मैं, ये जो दूरी है वो क्या है, आर वन है। क्लियर, वस्तु रखी गई है यहां पर, ये है वस्तु, ऑब्जेक्ट ओ से लिखते हैं इसको, वस्तु की जो दूरी है वो क्या है, यू है, कहां से, सी से, ये जो दूरी है ये भी लिख देता हूं मैं यहां, कितनी है, यू है, कौन सी दूरी है, ओ सी है। सतह के लिए जब हम लेंगे तो कहां से लेंगे, पी वन ओ लेंगे, पी वन ओ, समझ रहे हो, पी वन ओ, लेकिन पी वन को बाद में क्या लिख देंगे, बिकॉज दोनों क्या है, पास पास से दोनों बिंदु, दूरी हमें कहां से मापनी है, सी से मापनी है, इसलिए पी वन को ही हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, समझ रहे बात, यहां पी वन को सी लिखेंगे, तो ओ पी वन आएगा वहां क्या कर देंगे, ओ सी कर देंगे। क्लियर, जहां पी वन सी वन आएगा, पी वन सी वन, वहां क्या कर देंगे, सी सी वन कर देंगे। ठीक है, अब यहां से प्रकाश किरण चलेगी सतह पर, यहां यहां बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रोसेस होगी, यहां तो यहां पर क्या होता है, अब हम ये मान लें कि इधर वाली सतह नहीं है, इसको भूल जाए एक बार, भूल जाए इसको, ये सतह नहीं है, तो क्या होगा, प्रकाश किरण यहां से अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब हमेशा कहां से गुजरता है, यहां पर भी वही नियम है, कहां से गुजरता है, सी से गुजरता है, अभिलंब सी से गुजरता है। अब प्रकाश किरण नहीं मुड़े तो किधर जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए, लेकिन किधर मुड़ेगी, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। अब देखो यहां ये सतह है तो यहां एक बार और अपवर्तन होगा, एक बार और अपवर्तन होगा, हम अभी उस अपवर्तन को नहीं ले रहे, इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाए, तो क्या होगा, तो यहां से ये अगर नहीं मुड़े तो कहां जाएगी, ये नहीं मुड़े तो ऐसे जानी चाहिए, और ये यहां आएगी, इसको मान लेते हैं आई वन। आई वन क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आई वन कोई अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, वास्तव में क्या होगा, वास्तव में इस सतह के अनुसार, इस सतह के अनुसार ये जो बिंदु है वो पी टू होगा और इसका गोला इधर बनेगा, इसकी त्रिज्या इधर होगी, इधर होगी आर टू, इसका अभिलंब इधर होगा, अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश किरण, क्योंकि यहां पर फिर क्या हो गया, सघन से विरल में आएगी, सघन से विरल में आएगी तो विरल से दूर हटती है, वो भी हम बात कर लें कैसे हटते हैं, तो वो इधर जाएगी, इधर जाएगी तो अंतिम प्रतिबिंब यहां बनेगा। ये कैसी घटना है, ये एक काल्पनिक घटना है, क्यों घटना है ऐसी, क्योंकि कितनी सतह हो गई यहां, दो सतह हो गई, दो सतह हो गई, दोनों सतह को एक साथ सोल्व नहीं कर सकते, एक साथ रिलेट कर देंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे उनका, एक की वैल्यू दूसरे में अप्लाई करके, लेकिन सोल्व करते समय जब हम एक्स पी वन वाई सतह से अपवर्तन ले रहे हैं तो इसी से ही अपवर्तन लेंगे, इस बात को ध्यान रखें, तब आप ये भूल जाओ कि अभी तक हमने इससे अपवर्तन नहीं किया है, हम एक बार इसको लिख लेते हैं फिर हम क्या करेंगे, दूसरी बात कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं अगर इसका भी डायग्राम बना दूं तो थोड़ा सा
मिक्स भी होने की संभावना है, समझ में भी आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसे टुकड़ों में कर रहे हैं। पहले एक काम कर लिया, उस काम को नोट कर लिया। कैसे नोट करें इसको, देखो कौन सी सतह से अपवर्तन, यहीं से लिखना शुरू कर देता हूं मैं। एक्स पी वन वाई सतह से अपवर्तन के लिए एक्स पी वन वाई सतह से अपवर्तन के लिए समीकरण एक से, कहां से, समीकरण एक से। ये माध्यम कौन सा है, म्यू वन है, ये माध्यम कौन सा है, म्यू टू है, और ये माध्यम कौन सा है, म्यू थ्री है ना, है म्यू वन है, ये इधर और इधर दोनों तरफ कांच के दोनों तरफ तो वही माध्यम है, इधर म्यू वन है और इधर भी म्यू वन है, वही माध्यम है, बीच में क्या है, म्यू टू है। अब देखो यहां ये समीकरण एक लेके समीकरण एक, और समीकरण एक में U और V का मतलब क्या है और R का मतलब क्या है, वन से टू में जा रही है तो यही समीकरण ले रही है। जब अगर आप अपवर्तन करेंगे तो टू से वन में आएगी, तो इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि म्यू टू की जगह म्यू वन आ जाएगा, म्यू वन की जगह म्यू टू आ जाएगा, बस वो कुछ नहीं करना। दूसरा यू वी क्या है, यू वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, आर त्रिज्या, तो यू क्या हो जाएगी, पी वन आए, पी वन हो जाएगा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं, आई पे बन रहे हैं, आई वन पे, तो पी वन आई वन हो जाएगा, दूरी कहां से ले रहे हैं, पी से ले रहे हैं ना, सतह कौन सी है, देखो एक्स पी वन वाई, पी वन वाई, तो दूरी तो पी से ही तो है अपने पास, लेकिन पी को क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, जब मान रखते समय सी लिख देंगे, तो ध्यान रखना। और आर क्या है, पी से सी वन है, रियल में तो पी से सी वन है, लेकिन उसको क्या लिख देंगे, सी सी वन लिख देंगे, और इसकी जगह क्या रख देंगे, आर की जगह, सीधा भी लिख सकते हो आर की जगह आर में, तो क्या लिख रहे हैं इसको, ध्यान रखिए, माइनस म्यू वन अपॉन, चाहो तो दोबारा लिख लो इस इक्वेशन को, म्यू वन अपॉन यू लिखिए, यू या यू का मान कितना है, म्यू वन अपॉन क्या है, ओ पी वन, प्लस म्यू टू अपॉन, म्यू टू अपॉन वी है, वी कितना है, पी से पी वन से आई वन, यहां पर तीन बन रहे हैं, पी वन से आई वन बराबर क्या रहे हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन त्रिज्या कौन सी है, आर वन, समीकरण नंबर इसको नहीं, हम पी वन की जगह क्या रख दें, सी रख दें, क्लियर। क्या रख रहे हैं, पी वन नियर अबाउट इक्वल टू सी रखने पर, थोड़ा सा ध्यान से समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है, हमें एक इक्वेशन यूज करनी है डायरेक्ट उसकी जगह रखना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें रख दे मास, तो क्या आएगा, म्यू वन अपॉन पी वन की जगह रखना है तो क्या आएगा, ओसी प्लस म्यू टू अपॉन क्या आएगा, सी आई वन बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, इसको दे दो समीकरण नंबर दो। ये हो गया एक काम, तो इतना डायग्राम बना लो और इतना काम कर लो। अब हम ये देख लिए कि यहां से यहां तक इस बिंदु M मान लेते हैं, इस बिंदु को N मान लेते हैं, जब यहां से यहां आई प्रकाश किरण तब तो माध्यम यही है कांच है, लेकिन जैसे यहां से आगे आएगी तो माध्यम बदल गया, तो वास्तव में ये घटना नहीं होगी, ये घटना कब होगी, जब ये सतह नहीं होगी, लेकिन सतह तो है, वास्तविकता में तो सतह है भाई, इसलिए अब देखो इसका अभिलंब किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ये बिंदु क्या होगा, C2 होगा, C2 की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, R2 होगी, C2 की त्रिज्या R2 होगी, कहां से, C से, लेकिन अब अपवर्तन किसे देख रहे हैं, इस सतह से। अब क्या होगा, देखो सघन से विरल में जाएगी, तो प्रकाश किरण अगर नहीं मुड़े तो ऐसी जानी चाहिए थी जैसे हमने ले रखी थी पहले, लेकिन अभिलंब से दूर जाएगी, दूर जाएगी तो इधर जाएगी, विलंब तो उधर है, इधर जाएगी तो ये कहीं ना कहीं ऐसे टकरा जाएगी, तो ये वास्तव में प्रतिबिंब यहां बढ़ेगा और ये होगी अंतिम इमेज जहां वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ेगा, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी जिसको सी से लेंगे
तो इसको क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब देखो सारे पहले बढ़ा देते तो पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। थोड़ा सा समझ के एक बार खुद करके देखोगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी, देखो डायरेक्ट इस समीकरण का यूज करना है, ठीक है। डायग्राम को समझना जरूरी है कि स्थितियां क्या है, क्योंकि एक काल्पनिक स्थिति को डाल रहे हैं बीच में कि अगर ये नहीं होता तो ये घटना होती, और इससे तो यही घटना होगी, लेकिन आगे और एक बैरियर हो रहा है, आगे एक रुकावट हो रहा है, एक और सता आ गई तो फिर वहां से होगा काम, वहां से परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गए। लेकिन जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसी के रिजल्ट काम में लेंगे, जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट काम में लेंगे। अब बात करते हैं इसके लिए कौन सी सतह से, एक्स पी टू वाई सतह से अपवर्तन के लिए। समीकरण यही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, म्यू टू से म्यू वन में आ रहा है, म्यू टू से म्यू वन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वस्तु इस बार पांच की दस सघन माध्यम में स्थित है, तो वस्तु की दूरी जो हमने विरल माध्यम में ली थी वो किस में आएगी, सघन माध्यम में। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, विरल माध्यम में। तो यहां क्या आएगा, म्यू टू की जगह म्यू वन आएगा, और म्यू वन की जगह क्या आएगा, म्यू टू आएगा। यहां म्यू टू माइनस म्यू वन है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन माइनस। एक बात, दूसरी बात, वस्तु है कहां, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, वस्तु कहां गई है, कहां वस्तु। प्रतिबिंब तो ये रहा, ये दूरी ले लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो पी टू से आई, और पी टू क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे ना। त्रिज्या क्या लेंगे, त्रिज्या डायरेक्ट आर टू रखना, आर टू रख देंगे त्रिज्या, ये देखने की जरूरत ही नहीं। और दिक्कत कहां है, दिक्कत है वस्तु की, वस्तु कहां है इसके अंदर। अब इस सतह से जब अपवर्तन हो रहा है तो प्रकाश किरण कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। इसके लिए ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पे इधर तो टकराएगी नहीं, इधर तो बढ़ती जाएगी, इधर कहां टकरा रही है, ये टकरा रही है, कहां टकरा रही है, ये कहां आई वन पे। तो इसके लिए वस्तु को कहां स्थित मानेंगे, आई वन पे स्थित मानेंगे। इसलिए कई चीजें ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, है नहीं कंफ्यूजन वाली, है सारी चीजें स्पष्ट है इसके अंदर सब चीजें, लेकिन हम उसको कंफ्यूजन क्रिएट बढ़ा देते हैं, कर देते हैं, इसलिए वो क्लियर होनी चाहिए। हर चीज माइंड के अलग पार्ट में अलग अलग जगह सेफ रहनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है वो इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये कैसे हो रहा है वो इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, वो हमें ध्यान रखना है। तो यहां से अब मैं इसको लिख रहा हूं, जरूर ध्यान रखिए आप, ये है वस्तु, इसका मतलब ऐसे ध्यान रख सकते हो, इस सतह से अपवर्तन में जो प्रतिबिंब बढ़ता है वो अगली सतह से अपवर्तन में वस्तु का काम करता है। समझ आएगा, पहली सतह से अपवर्तन में प्रतिबिंब है वही अगली बार क्या बढ़ जाएगी, वस्तु बढ़ जाएगी, बस इतना, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये एक्स या लिख रहा हूं मैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स पी टू वाई के लिए क्या हो गई, ये वस्तु हो गई। क्लियर, मान रख दे समीकरण एक से क्या आएगा, माइनस म्यू वन की जगह क्या हो जाएगा, म्यू टू। U का मान U वस्तु है, वस्तु का मान क्या है, P2 से लेकर I1 प्लस म्यू टू की जगह म्यू वन, अंतिम प्रतिबिंब ये रहा P2 I। बराबर उल्टा कर दें, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, और यहां इसमें क्या रखेंगे हम, P2 की जगह नियर अबाउट इक्वल टू C, क्योंकि दूरियां कहां से लेनी है, C से। बस खत्म हो गया आपको डिवाइस में, तो इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे तो कुछ करना नहीं है, जोड़ घटाव करने हैं, वो अपने बातें ही करता तीन में से भी हमें, तो वो अपने M2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सी आई वन प्लस एम वन डिवाइडेड बाय सी आई इज इक्वल टू
इसको भी m2 टू माइनस एम वन की फॉर्म ले लेते, क्योंकि ऊपर वही है ना, जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं आई, माइनस बाहर निकाल दें। तो ये हो गया m2 टू माइनस समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को और 2 को जोड़ दो, नया फॉर्मूला तैयार हो गया और वही गैस निर्मात्री सूत्र है, ठीक है। 2 प्लस 3 करने पर, 3 के 2 प्लस 3 करेंगे तो देखो LHS में LHS μ1 अपॉन OC प्लस μ2 अपॉन CI1 माइनस μ2 अपॉन कट गया CI1 प्लस μ1 अपॉन CI बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 माइनस μ2 अपॉन सॉरी माइनस μ1 अपॉन R2। ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस μ1 अपॉन OC प्लस μ1 अपॉन CI, μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया और ये आ गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन। अब इसको वापिस μ में बदल लो, चाहे ऐसे रख लो, वापिस μ में बदलेंगे तो μ1 का भाग दे देंगे, जहां μ1 आ रहा है भाग कट जाएगा, जहां μ2 आ रहा है वहां μ2 डिवाइडेड बाय μ1 हो जाएगा, उसकी जगह μ1 रख देंगे, अब जाएगा μ2 अपॉन μ1 हो गया, क्या बात हो गया, μ2 अपॉन μ1 क्या हो गया μ, ठीक है। OC और CI क्या है, OC वस्तु की दूरी, OC वस्तु की दूरी है, CI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु की दूरी क्या है, U है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, B, ठीक है। अब इसमें एक बात बहुत ही कंफ्यूजन की नई बात कि यहां माइनस आएंगे प्लस में आएंगे, OC CI, तो यहां माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, क्योंकि पहले हम रख चुके हैं, जब यहां जब हम डायरेक्ट उठा रहे हैं ये वैल्यू, तो इस वैल्यू में साइन सिस्टम यूज कर रखा हुआ है, पहले से अप्लाई किया हुआ है, इसलिए दोबारा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो एक बात तो यहां क्या रखेंगे, ओ सी इज इक्वल टू यू, सी आई इज इक्वल टू वी, तथा म्यू वन का सारे का एक साथ ही कर देते हैं भाग करने पर, तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी बराबर ये म्यू टू अपॉन म्यू वन आ जाएगा, तो म्यू माइनस वन और इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन इसे कहते हैं लेंस निर्मात्री सूत्र। इसमें एक कंडीशन और लगा देते हैं, उसको नॉर्मली वो दिया जाता है सीधे करने के लिए, यूवी की फॉर्म दे रखी है तो ये रखनी है। लेंस निर्मात्री सूत्र से क्या है, फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, फोकस दूरी तो नॉर्मली लेंस के लिए क्या वस्तु कहां पर स्थित होती है, नॉर्मली लेते हैं अनंत पर है, दूरी से आगे प्रकाश की अनंत पर है, तो जब अनंत पर होती है तो उत्तल लेंस से फोकस दूरी सारे प्रकाश की फोकस दूरी पर केंद्रित हो जाती है, क्लियर। एक इसमें केस ले रहे हैं स्पेशल केस, वो और अप्लाई करेंगे इसके अंदर, वहां तक आपको सोल्व करना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल में भी जब यू भी नहीं है तो एफ की फॉर्म में क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, और वो एफ की फॉर्म ही काम आएगी, उसको लेंस निर्मात्री सूत्र कहेंगे। जब वस्तु कहां स्थित होती है, अनंत पर, तो देखो क्या स्थिति होती है, यहां बना देता हूं डायग्राम छोटा सा, कि ये प्रकाश के लिए आर्य अनंत से, आर्य अनंत से, तो U बराबर तो क्या हो गया, वस्तु कहां पर है, अनंत पर, तो यहां इसके बाद गुजरने के बाद कहां प्रतिबिंब पड़ते हैं, फोकस बिंदु पर, तो F है, ये बिंदु कौन सा है, F है, तो यहां पर F जो है वही किसके बराबर हो जाता है, वही V के, क्योंकि जहां प्रतिबिंब पड़ता है वो प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कहां पड़ रहे हैं, कहां इकट्ठी हो रही है, फोकस बिंदु पर, तो U V बराबर क्या हो गया, F, तो यहां U बराबर अनंत तथा V बराबर क्या रखते हैं, F रखने पर,
तो यहां क्या आएगा, माइनस एक बटा एन प्लस एक बटा एफ, आगे की वैल्यू ऐसी की ऐसी, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, दिखाई दे रहा होगा ये वन अपॉन अनंत का जो मान है वो होता है जीरो। वन अपॉन अनंत का जो मान है वो होता है जीरो। ये थोड़ा यहां से शायद कट रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखें, मैं बोल देता हूं माइनस म्यू वन अपॉन ओ पी वन म्यू टू अपॉन पी वन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, इधर भी ये कट रहा है। तो ये इक्वेशन हमने दोबारा लिखी है, इसकी जगह रखे हैं U की जगह अनंत ये दिख रहा है और V की जगह रखे हैं F, तो माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू यू माइनस वन आर एच एस, समीकरण चार की आर एच एस ऐसे की ऐसी रखिए। आगे का मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये पूरा डेरिवेशन एक साथ करनी ही जरूरी रहते हैं ताकि हमें पता रहे कौन सी वैल्यू कहाँ है, अगर हम इसको मिटा दें और फिर ये करें तो फिर हमें इसको समझना साथ साथ मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप भी हमेशा ध्यान रखें एक साथ चीज को कोशिश करें करने की। अब इसको तो मिटा देते इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो वहां से एक बटा अनंत का जो मान होता है वो जीरो होता है, भैया अनंत का किसी भी संख्या भाग देते हैं तो जीरो आता है, तो क्या बचा, अतः रिजल्ट क्या है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इस समीकरण का जरूर आप ध्यान रखें, समीकरण नंबर पांच, समीकरण पांच को क्या कहते हैं, समीकरण पांच को लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। ये हो गया कंप्लीट। और एक बात और नोट कर लें आप, समीकरण चार और पांच की तुलना और कर लें, समीकरण चार व पांच की तुलना करने पर, तुलना करना होता चार और पांच की तुलना करेंगे तो आरएचएस में तो कुछ बदल ही नहीं रहा, वही है, चेंज किसकी जगह किया है, इसकी जगह, तो इस वैल्यू की जगह एलएचएस में क्या आ गया, इस वैल्यू की जगह वन अपॉन एफ आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ये फॉर्मूला सभी ने देखा होगा दसवीं क्लास में, इसको कहते हैं लेंस सूत्र। तो आप ध्यान रखें लेंस सूत्र और लेंस मेकर सूत्र दोनों अलग अलग है, लेंस निर्मात्री सूत्र ये है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, और लेंस सूत्र जो है वो सिंपल माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। अगर आपको दो अलग अलग त्रिज्याएं देकर पूछा जाए फोकस दूरी क्या होगी उसकी, तो लेंस निर्मात्री सूत्र लगाना है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी देखकर फोकस दूरी पूछ लें या प्रतिबिंब कहां बढ़ेगा ये पूछ लें, तो आपको क्या लगाना है लेंस सूत्र करना है। न्यूमेरिकल में बात करेंगे, जैसे दर्पण से संबंधित हमने न्यूमेरिकल किए थे, दर्पण समीकरण वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, वैसे ही इसके न्यूमेरिकल होंगे, वही चिन्ह पद्धतियों का ध्यान रखना है, उसी के अनुसार सोल्व करना है और उसी के अनुसार हमें क्वेश्चन उसी प्रकार से दिए जाएंगे। इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे, कुछ और बातें करेंगे अभी इससे संबंधित, अभी लेंस ही पढ़ रहे हैं अभी हम, आगे लेंस की शक्ति पढ़ेंगे और इस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसको भी यू वी के पदों में बी एफ के पदों में बात करेंगे, इसका आवर्धन की बात करेंगे, कई छोटी छोटी चीजें हो रहे हैं उनके बाद में फिर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, इसलिए इसको पढ़ें समझ लें लिख लें इसको तरीके से अच्छी तरह से, और डायग्राम को जरूर आप ध्यान से समझ लें। दोबारा फिर एक बात बता देता हूं मैं, जब x p 1 y सतह से अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो इस दूसरी सतह को भूल जाएं, और जब दूसरी सतह से अपवर्तन पढ़ रहे हैं तब यहां से देखना है कि वस्तु कहाँ है, तो पहली सतह से अपवर्तन के बाद में जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं वो दूसरी सतह के लिए वस्तु का काम करेगा, इस बात को ध्यान रखना है, ध्यान से समझे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी बात में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Thank you.